बाधाएं छा जाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, इन सब से डटकर हमको आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा, MBBS फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट एट GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैंने पिछले लेक्चर में 5 थिंग्स विच यू डू नॉट नो अबाउट लिविंग वर्ल्ड उनके बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे 20 पॉइंट्स इन 20-30 मिनट्स इन विच वी विल कम्प्लीट द सीक्रेट पॉइंट्स गिवन इन NCERT ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द वास्टेस्ट चैप्टर ऑफ नीट सिलेबस, अगर हम जेनेटिक्स को हटा के रखते हैं तो। इतने बड़े चैप्टर को कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं उन खास खास पॉइंट्स को लेके आया हूँ जहाँ पर आप सभी कन्फ्यूज होते होंगे, और अगर इन पे क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप सोच में पड़ जाते होंगे कि किसका आंसर क्या दूँ, तो उन्हीं पॉइंट्स को लेके मैं आपके साथ आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम आते हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जो हमने करी थी उसमें हमने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई को किंगडम प्लांटे में रखा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मॉसेस, इनके साथ। तो ये क्यों रखा था? बिकॉज दे ऑल पोजेस सेल वॉल इन देयर सेल्स, उनके सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के कारण ही हमने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम में रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज हम आते हैं हमारी मोनेरा किंगडम पे। तो फ्रेंड्स, मोनेरा किंगडम का जो दूसरा नाम है जो आपको कंफ्यूज करेगा वो है माय छोटा, MYCHOTA। मैंने पहले फ्रेंड बोला था कि अपन लेक्चर में NCERT और एक कॉपी और एक पेन साथ में रखेंगे। मैं देखिए सर फ्रेंड्स, बहुत सारी पेन यूज़ करता हूँ, तो ऐसी हैबिट डेवलप करी अपने लिखने की, एंड आई हैव सेपरेट हैंड रिटन नोट्स, इनकी PDF आपको मिल जाएगी। ये मैं खुद लिख के बना रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये खुद लिख के बनाइए, आपको रिटेन होगा। हमें भी ऐसे रिटेन हुआ है और हम भी ऐसे ही सिलेक्ट हुए हैं। मेहनत करें, मेहनत कर, सफलता की चिंता ना कर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरी चीज आई हमारी मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम को हम बोलते हैं माय छोटा, जिसको हम अगर क्लियर प्रोनाउंसिएशन करें तो माय कोटा, माय कोटा, MYCHOTA, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोनेरा किंगडम होती है हमारी माय कोटा, ठीक है। और मोनेरा किंगडम में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या होता है? मीजोसोम। मीजोसोम आपको पता है ना, ये ग्राम पॉजिटिव में होते हैं और वहीं सेक्स पिलाई ग्राम नेगेटिव में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जनरली मीजोसोम्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेक्स पिलाई आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जनरली आई एम टेलिंग इट जनरली, इन जनरल कंडीशन ऑन अ वास्ट मैनर, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा वर्ड आता है MYCOTA, एच गायब है इसमें। तो अब ये क्या है? माय छोटा, माय कोटा, तो माय छोटा इज मोनेरा। देखिए मोनेरा याद कैसे रखेंगे? माय छोटा, मोनेरा अपने आप में बहुत बड़ी किंगडम है लेकिन है छोटी, हम बहुत कम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इतनी बड़ी होने के बावजूद हम इतना सा पढ़ते हैं उसके बारे में, तो माय छोटा मोनेरा। और वही माय कोटा MYCOTA वो क्या है? वो हमारी फंगाई किंगडम है, किंगडम फंगाई इज माय कोटा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तीसरी बात हम करते हैं आर्किबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। किंगडम मोनेरा को दो किंगडम में डिवाइड किया, सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्किबैक्टीरिया में हमें तीन स्पेशल फीचर याद रखने हैं, क्या क्या? कि जैसे हम ह्यूमंस हैं और जो यू बैक्टीरिया हैं, जो अदर यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब में सेल मेम्ब्रेन कैसी है? लिपिड बायलेयर की है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया में मोनोलेयर ऑफ लिपिड होती है। ध्यान रखिएगा, मोनोलेयर ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट इन आर्किबैक्टीरिया विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आप नोट करिएगा, हर चीज PDF में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि दिमाग में ये जैसे जैसे चीज आती रहती है मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो पहला हमने पॉइंट क्या देखा? पहला हमने पॉइंट देखा कि दे हैव लिपिड मोनोलेयर विच डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। दूसरा खास बात आर्किबैक्टीरिया के बारे में कि दे हैव इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर वॉट? आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, दीज आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज ऑफ DNA सेगमेंट, तो उनके पास इंट्रॉन्स होते हैं आर्किबैक्टीरिया के पास। तीसरी चीज, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है
वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, स्यूडोमुरीन की, स्यूडोम्यूरीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन बात हमें खास बात याद रखनी है आर्किबैक्टीरिया के बारे में। आ जाते हैं अब हम इसके टाइप्स के बारे में। आर्किबैक्टीरिया में तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे पहली मिथेनोजन, दूसरी हेलोफाइल्स और तीसरी थर्मोएसिडोफाइल्स। तो इनके बारे में हमें याद क्या रखना है, देखिए मिथेनोजन सबसे पहले तो घट में पाया जाता है, ये आप सबको पता है। हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो मिथेनोजन्स हैं, एक चार्ट बना लीजिए, वैसे मैंने बना रखा है, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद ट्राई करिए क्योंकि आपको रिटेन होगा, आपने कहा ना याद रहेगा लिखेंगे तो, कमेंट आए थे मेरे को, तो आप लिखिए, मैं बताता हूँ। मिथेनोजन, हेलोफाइल एंड थर्मोसिडोफाइल्स। मिथेनोजन में लिखिए ऑब्लिगेट एनएरोब, ऑब्लिगेट एनएरोब। इन दोनों में लिख लीजिए फैकल्टेटिव एनएरोब। ठीक है, ऑब्लिगेट एनएरोब वो होते हैं जिन्हें केवल और केवल एनएरोबिक कंडीशन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और फैकल्टेटिव एनएरोब वो होते हैं जो रहते तो जनरली एरोबिक कंडीशन में है, लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन आ जाती हैं तो दे स्विच टू एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ये, हमारा मिथेनोजन से ऑब्लिगेट एनएरोब और बाकी दोनों है फैकल्टेटिव एनएरोब। उसके बाद हमें याद क्या रखना है, मिथेनोजन से हमारे कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, और बाकी दोनों है हमारे हेटरोट्रॉप्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक चीज आप हेलोफाइल्स में ऐड करिए कि दे आर प्रेजेंट इन ब्राइन, BRINE, ब्राइन वर्ड याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है ये और एम्स में पूछा भी है ये। ठीक है फ्रेंड्स, कि हेलोफाइल्स आर प्रेजेंट इन ब्राइन्स, इनके एग्जांपल्स तो आपको पता ही होंगे, मिथेनोजन का मिथेनोकोकस, मिथेनोट्राइकस, ऐसे ही हमारे हेलोफाइल्स का हेलोकोकस, थर्मोप्रोटियस, थर्मोकोकस। ठीक है फ्रेंड्स, इजी इजी एग्जांपल्स हैं इनके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे एक स्पेशल ऑर्गन की जिसे हम बोलते हैं हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट का काम क्या है फ्रेंड्स, हेटरोसिस्ट बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एनएरोबिक कंडीशन में होती है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एनएरोबिक कंडीशन में होती है, तो हेटरोसिस्ट के अंदर कैसा एनवायरमेंट होगा, एनएरोबिक। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज हेटरोसिस्ट के बारे में कि ये है हमारा बैरल शेप होता है, बैरल शेप। और दूसरी चीज हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या पढ़िया, बैरल शेप के सेल्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सेल्स कैसे होते हैं, बैरल शेप के। तो कोरिलेट करना सीखिए कि हमने बैरल शेप कहाँ कहाँ पढ़ा है, ये मैंने हमारे इसमें नहीं लिख रखा, लेकिन बैरल शेप की बात आई तो मेरे को याद आ गया। ऐसे हमें पढ़ाई करनी है कि याद आ जाएगा, हम किसी चीज को याद रखें तो ये कैसे आएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे हेटरोसिस्ट हो गया हमारा बैरल शेप, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे माइकोप्लाज्मा पे। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा, इससे क्या क्या पूछ लिया जाता है, तो देखिए माइकोप्लाज्मा को हम और क्या क्या कहते हैं, मॉलिक्यूट, MOLLICUTE, मॉलिक्यूट, फ्राइड एग लाइक अपियरेंस। तीसरा हम बोलते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, मैंने वीडियोस के एंड में एक लिंक है, वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है इसी टॉपिक के सब टॉपिक्स पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं लिंक में, क्योंकि यहाँ टाइम की कमी है और मेरे को ये फाइल सेंड करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम उससे वीडियो क्वालिटी भी एल्टर हो जाती है, कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियो क्वालिटी सुधारी है, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम MB की वीडियो बने और ये आप तक पहुँच जाए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो में आप वो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको पता लगेंगी, और फ्रेंड्स आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चला, एक्स्ट्रा जो आएगा, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं बताता क्योंकि हम भी उसी फेज से गुजरे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा माइकोप्लाज्मा हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फंगाई पे। फंगाई पे आए हम, या पहले किंगडम प्रोटिस्टा करें, पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, NCERT ने लिख रखा है कि इट्स बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किस किंगडम में है,
तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, कमेंट्स में अभी लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आंसर बताऊंगा, आप ज़्यादातर से ज़्यादा किंगडम एनिमेलिया लिखेंगे, बट आंसर इज प्रोटेस्टा, कुछ लोग मोनेरा लिखेंगे, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के बाद में आता है हमारा किंगडम मोनेरा, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में है, किंगडम प्रोटेस्टा में, एनसीईआरटी ने इसीलिए इस लाइन को लिखा है। अब आई होप कि आपको ये पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो अब तो पता चल गया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम आते हैं हमारे डायटम्स के पास। तो डायटम्स के आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है, उसमें बात ये याद रखनी है कि दे फ्लोट पैसिवली ओवर सी वाटर, और उनकी फैमिली याद रखनी है कि डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डेस्मिड्स आर गोल्डन ब्राउन गोल्डन एल्गे, तो वो क्राइसोफाइटा उनका जो ग्रुप है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम ऐसी चीज पे आते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट, तो डायनोफ्लैजिलेट के पास होता है एक लेटरल और एक ट्रांसवर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के, जैसे ये बड़ा है तो ये छोटा ही है, इस टाइप के फ्लैजिला को बोलते हैं हम हेटरोकॉन्ट फ्लैजिला, और ये 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्लिंग विप्स, वर्लिंग WHIRLING, वर्लिंग विप्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये सीक्रेट करती हैं कुछ टॉक्सिन्स जो पैरालिसिस कर देती हैं शेल फेसेस का, तो उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, जी हाँ, SAXITOXIN, सेक्सी टॉक्सिन, इट कॉजेस PSP, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है, इन फिशेस, ह्यूमंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो वो मैं आपको उस लेक्चर में बताऊंगा, देखिएगा जरूर। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में खास बात क्या है, बिकॉज रेड टाइड, जी हाँ, कुछ रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट जैसे कि गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, GONYAULAX, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम, बिकॉज रेड टाइड। अब हमने एक सी का नाम पढ़ा रेड सी, तो उसको वो रेड सी क्यों है, तो रेड सी इज ड्यू टू अ रेड एल्गे, डेट इज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, जी हाँ, कॉज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स विच आर गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम।